अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मार व्लॉग जी। तो गाइज कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अब सबसे पहले आपको अपडेट दें गंदम की, तो फसल बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बस ये कुछ है जो जिसको एक दो दिन धूप लगी तो ये तैयार हो जाएगी, लेकिन बाकी ये समय ज़्यादा तैयार ही है, कम है जो अभी तैयार नहीं है। तो ये नीचे तक है, ये भी बिल्कुल तैयार है अभी। ये व्यू चेक करें आप, तकरीबन गांव में सभी फसलें अब तैयार हो चुकी हैं। तो मैंने कहा चलो व्यूअर्स को अपडेट दे दें। तो अभी टाइम हुआ एक लतीफ़े का, तो मैंने कहा आपको एक लतीफ़े सुना दें। आज मैं वीडियो देख रहा था एक, तो उसमें एक बादशाह होता है ना एक गांव का, गांव का क्या जंगल का बादशाह शेर कोई कहते हैं। तो शेर ने ऐसे कहा कि यार जंगल के सब जानवरों को बुलाया कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि नया रूल बनाते हैं ना। नया रूल से मुराद ये कि यार कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए जंगल में, कुछ तहजीब से रहना चाहिए, कुछ इस तरह का ना। तो उसने टाइगर को जो है ना वो बना दिया, वज़ीर बना दिया। तो जैसे ही खरगोश आया ना टाइगर के आगे से गुजरने लगा, तो टाइगर ने कहा इधर आओ, रख के दी उसके कान के नीचे और कहता कि ओ तेरी टोपी किधर है, टोपी तू क्यों नहीं पाई। वो चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर जैसे ही खरगोश गुजरने लगा तो उसने फिर खरगोश को पकड़ा और कान के नीचे दी और फिर कहा कि ओ तू टोपी क्यों नहीं पाई। खरगोश बड़ा परेशान, वो शेर के पास चला गया कि यार ये टाइगर जो है ना चीता वो हमारे साथ इस तरह कर रहा है, अब इस तरह का भी कोई असूल नहीं होता। तो जैसे ही शेर ने टाइगर को अपने पास बुलाया चीते को, तो उसने साथ खरगोश भी चला गया पीछे पीछे के चीते की बेइज्जती होगी तो मैं भी सुनूंगा ना कि बेइज्जती कैसे हो रही है इसकी। तो उस बेइज्जती के सुन रहा था तो शेर कहता है कि यार इस तरह नहीं मारा जाता, कोई वजह होनी चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए मारने का। आप ऐसा कहो कि कल आपके पास अगर खरगोश आया ना तो आप उसे बोलो कि यार जा ऐसा कर समोसे ले गया, वो समोसे लाएगा तो फिर कहना कि चटनी क्यों नहीं साथ लाए, फिर मार एक लगा जाना। तो फिर तो चलो वो लॉजिक बनती है इस तरह की, अगर वो चटनी साथ ले आए तो फिर कहना कि मीठी चटनी साथ क्यों नहीं लाए, तो इस वजह से फिर मार लेना। वो खरगोश सारी बातें उधर सुन रहा था, तो क्या अच्छा ये चीज़ें लानी है। अगले दिन जैसे ही खरगोश गुजरा ना तो टाइगर ने कहा कि ओ इधर आ, वो जैसे ही कहता जा समोसे ले के आ। वो समोसे ले के आया तो कहता साथ चटनी क्यों नहीं लाए, उसने चटनी निकाल के दी, कहता ये मेरे पास है जी मैं लाया हूँ, चटनी भी दे दी साथ में, कहते मीठी चटनी क्यों नहीं लाए। मारने लगा तो फिर खरगोश ने मीठी चटनी निकाली और कहा कि नहीं नहीं मैं मीठी चटनी भी लाया हूँ, वो भी दे दी। तो जैसे ही टाइगर ने देखा ना कि उसके पास चीज़ें सारी पूरी हैं, उसने रख के दी चांदनी कान के नीचे और बोला कि टोपी क्यों नहीं पाई। यार आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा होगा, लेकिन मैंने जब पहली बार सुना तो यार मुझे तो बहुत हंसी आई है इसमें। अच्छा जी, तो आप लोग भी ऐसा करें कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वरना मैंने बुला के ना ऐसी लगानी है कि सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। ये चेक करें व्यू आप, बिल्कुल फसल अब तैयार हो चुकी है। ये हमारे गांव का स्कूल, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी जी तो इस टाइम एनर्जी लेवल भी काफ़ी लो होता है, तो बस कहीं जाने का मूड होता है, पहले प्लान होता है कि यार इस जगह जाके व्लॉग बनाएंगे, लेकिन ये टाइम ऐसा हो जाता है कि एनर्जी लेवल जो लो होता है तो उस वजह से कहीं जा नहीं सकते, फिर तो इधर घर के पास ही फिर व्लॉग बनाते हैं। ये भी आया था बकरियों के साथ, इनको वापस लेके जा रहा हूँ, बकरियों के साथ आया तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी बनाते हैं। तो अभी चलते हैं फिर वापस, आज घर कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, इफ्तारी का प्रोग्राम था, तो चलते हैं फिर। बस सूरज भी अभी ग़ुरूब होने वाला है,
आज का व्लॉग इतना ही, तो आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात मेरे ख्याल में मैं भूल गया हूँ, आप लोग ऐसे करें, दुरूद पाक पढ़िए।